स्वागत है दोस्तों आपका मस्ताने सफ़र पे। तो जो आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है ये है कालू चौड़ मंदिर, जो काठगोदाम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काली माता का एक मंदिर है। अगर हम बात करें इस मंदिर के बारे में तो लोगों का मानना है कि इस मंदिर में असीम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मीन्स जो भी आप मंत्र उच्चारण करते ये सब तो यहाँ जाके सिद्ध हो जाते। और ये भी माना जाता है कि सतयुग में यहाँ सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या की थी और अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। तो ये जो मार्ग यहाँ से पैदल रास्ता है, आप चाहे तो वैसे स्कूटी तो जा सकती है, आपकी स्कूटी या बाइक इजीली चल जाती है। इजी मींस यहाँ है थोड़ा उबड़ खबड़ है तो आपको कभी कभी उतरना भी पड़ता है, बट ये चल जाती है। यही है एक पैदल रास्ता है। तो चलिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो रास्ते में आपको जंगल भी दिखाएंगे, जो वन मार्ग से एक सुल्तान डाकू का पहले क्षेत्र हुआ करता था, तो वो जंगल भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी नज़ारे अच्छे हैं, मीन्स हरियाली काफ़ी है इधर उधर, तो वो देखते हुए फिर हम माता के मंदिर तक पहुँचेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों हम कालू चौड़ के मीन्स आधे में पहुँच गए। रोड बहुत ही ख़राब है यहाँ इस साइड हमेशा, मैं पिछली बार भी आया था तब भी यही ऐसी रोड थी, अभी भी ऐसी है। यहाँ गौरव सर बोल रहे हैं धन्नो हमें कह रही होगी कि कहाँ कहाँ डाल देते हैं हमें पता नहीं। चलो आगे चलो, संभालनी मुश्किल है ना गाड़ी। अरे यार उसकी खुशबू आ रही बाबा, यहाँ कुछ प्रसाद साथ नहीं बढ़ रहा पता नहीं है, ऊपर पता चलेगा। वो तो यहाँ काफी लोग आ रखे है, तो हमारे भी यहाँ बाइक खड़ी हो रही है, ऑटो भी आते ही है। और मैगी की खुशबू तो क्या बात है, बहुत ही अच्छी मैगी की खुशबू भी आ रही है। आई थिंक कुछ प्रसाद भी बन रहा है ऊपर, आज मंदिर में पूजा उजा है। चलिए फिर हम भी चलते आगे को। ये चल गई हमारी धन्नो। आज यहाँ पूजा उजा लग रही है। हाँ पूजा। आज क्या किसी की पूजा है या कॉमन है वैसे? अच्छा जी सर। तो दोस्तों ये है पैदल जाने के लिए रास्ता। आप यहाँ से कालू चौड़ ऊपर मंदिर काली माता के मंदिर पे पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी जाती है तो हम अपने धनों पे बैठते हैं और चलते हैं आगे को। दोस्तों फाइनली हम कालू चौड़ मंदिर पहुँच चुके हैं, तो पंडित जी भी आगे पूजा करते हुए गेट में। जरा हम अपने चप्पल वप्पल उतारे फिर अंदर की ओर को चला जाए। तो ये प्रसाद घर है, आप चाहे तो प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से। चलिए हम भी कुछ ले लेते हैं। दोस्तों प्रसाद का थाला हम ले चुके हैं, चलिए मंदिर की ओर को चलते हैं। हनुमान जी पे जय वीर हनुमान जी। गौरव सर ने बजा दी घंटी, चलिए माता के दर्शन करते हैं मेन मंदिर पे। श्री नरसिंह भगवान, तो अभी इन सारे भगवानों के हम दर्शन करेंगे। यहाँ भी माता संतोषी माता, ये हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी माता, ये वेद व्यास होंगे, ये वेद व्यास भगवान। ये कलयुग में भी जिंदा है बताइए। अच्छा, इनको वो मिला था, ये उन 7 लोगों में से जो कलयुग में अभी भी जिंदा है। सारे वेदी लिखे होंगे फिर, और क्या है मेन मंदिर ये है काली चौड़ मंदिर। दोस्तों ये है मेन मंदिर, मुख्य काली चौड़ मंदिर। चलिए अंदर चल ले जाए। मंदिर तो खोल दिया है। अच्छा पुजारी जी भी आ चुके हैं। जय माता की। अच्छा यहाँ से, अच्छा फोटो।
तो दर्शन तो हमारे पूरे हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ रहने के लिए क्वार्टर भी बन रहे हैं, आई थिंक धर्मशाला ये सब बन रहे होंगे। तो यहाँ पर शिव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। सफाई वफाई हो रही है अभी अभी, हमें पानी तो चढ़ाया नहीं दिया शिव जी पे, क्योंकि शाम हो गई, 4 बजे के बाद मना कर रहे थे। तो यहाँ पर जय शिव शंभु। तो यहाँ शिव पार्वती फैमिली बन रखी है, गणेश जी बन रखे हैं, नंदी जी, शिव जी, पार्वती जी, आई थिंक यहाँ कार्तिकेय है, वैसे कार्तिकेय लग नहीं रही मे बी। ये देखो एक ये लड़का नीचे घूम रहा है प्रसाद लेके। माँ दुर्गा, माँ गायत्री, तो भी हर खंड। तो दोस्तों आश्रम है, ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, मेन भीड़ आई थिंक तभी रहती होगी। स्वागतम काली चौड़ मंदिर। इसने मुझे ही अटैक किया इस बंदर ने, देखो मेरे हाथ में प्रसाद था इसलिए, और डरा दिया बिल्कुल। पर हम भी छोटे नहीं थे, पटक दिया हमने भी उसको। जय माता।